दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत पता है क्या है? ओन व्हीकल से भी मैं अगर स्टार्ट करता हूँ जाना तो उसमें ये बहुत ज़्यादा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो होने वाली है कि जो लोग मुंबई आना चाहते हैं अभी इस समय, और आज डेट है 24 जून 2021। अभी को पता है कि मुंबई में शूटिंग्स वगैरह शुरू हो गई हैं, प्रोडक्शन हाउसेस में काम शुरू हो चुके हैं। तो प्रोडक्शन हाउसेस की मांग है कि आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो अब इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोग अभी इस समय आना चाहते हैं मुंबई अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो आप लोग आ सकते हैं। सिर्फ आपको ट्रैवलिंग का जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई लोकल ट्रेन्स में अभी भी आम पब्लिक को जाने की अनुमति नहीं है। तो या तो आपको अंधेरी वेस्ट जहां ऑडिशंस होते हैं या फिर प्रोडक्शन हाउसेस हैं वहां के आसपास आपको रहना पड़ेगा। अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा कम है तो आपको रूम जो है वो दूर लेना पड़ सकता है, तो वहां से आपको ट्रैवलिंग का आपको खुद को करना पड़ेगा मैनेज। और अगर आप अंधेरी एरिया में रूम वगैरह लेते हैं तो वहाँ पर थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सही रहता है, रहेगा इस समय में, क्योंकि जैसा कि ट्रैवलिंग में मुंबई लोकल ट्रेन्स में अलाउड नहीं किया गया है अभी तक। तो आप लोग आ सकते हैं, और आने से पहले, मतलब प्रोडक्शन हाउसेस में जाने से पहले, आप लोगों को ऑडिशन के लिए पता करना पड़ेगा कि ऑडिशन हो रहे हैं या नहीं, या फिर आपको अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ेगा। ऑडिशन देने जाना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा ऑडिशन प्रोडक्शन हाउसेस में, और प्लस आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। भले आपकी पहली डोज लगी हो या सेकंड डोज लग चुकी हो, पहली डोज लगी है तो भी चल जाएगा, लेकिन उसका सर्टिफिकेट आपको होना ज़रूरी है कि आपको फर्स्ट डोज लग चुकी है। और उसके साथ साथ प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो एक दिन पहले, दो दिन पहले, तीन दिन पहले, आपको दो दिन पहले आपका कोरोना का टेस्ट वहाँ पर करवाते हैं। जैसे अगर आपको काम मिल जाता है किसी भी प्रोडक्शन हाउस में तो वो ऐसा करवाते हैं। और प्लस ये सब चीज़ें होना आपके पास ज़रूरी हैं। मैं अभी इसीलिए नहीं जा सकता क्योंकि मैं रहता हूँ कल्याण में, और बहुत मैं मुंबई से 58 किलोमीटर दूर रहता हूँ, और मोस्ट कन्वीनियंट जो मेरा ट्रैवलिंग था वो लोकल ट्रेन्स का था। उसमें टाइम कम लगता था उसमें। अगर मैं ओन व्हीकल से भी मैं अगर स्टार्ट करता हूँ जाना तो उसमें ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और बाकी आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते रहिए, जैसे भी आपको पता चलता है ऑडिशन अपडेट्स वगैरह, वो आपको यूट्यूब पर अलग अलग चैनल्स हैं ऑडिशन अपडेट देने के लिए, तो आप वहाँ से पता करते रहिए, अप्लाई करते रहिए। अगर आपको बुलाया जाता है तो आप लोग जाइए। तो यही था आज की वीडियो में, मैं आपको यही बताने का, एक छोटी सी अपडेट देना आया था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे ये चैनल को सबसे ज़्यादा एक्टर्स जो हैं, जो स्ट्रगल, जो मतलब अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, वो लोग देखते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत पता है क्या है? कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, वहीं बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं।